हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल S24 फ़ोन है, तो आईटेल S24 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे अपने फ़ोन में आप ऐप्स वगैरह को कैसे अनहाइड कर सकते हैं और कैसे ऐप्स को अनहाइड करके स्क्रीन पे शो कर पाएंगे अपने आईटेल फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप्स को अनहाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे शो कर सकते हैं स्क्रीन पे ऐप्स वगैरह को अपने आईटेल फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन में ऐप्स वगैरह को कैसे अनहाइड कर सकते हैं आईटेल फ़ोन में, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जिसमें से आपके पास ऑप्शन आ रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स आ जाएगी जिस पे जाकर ऐप्स को आप अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको बैक करना होगा क्योंकि आपको जाना है स्क्रीन सेटिंग्स पे, स्क्रीन को होल्ड करना है, फिर मेन्यू सेटिंग्स पे चले जाना है। तो मेन्यू सेटिंग्स पे जाकर हाइडिंग ऐप सेटिंग्स आ जाएगी जहाँ से ऐप्स को आप अनहाइड कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है जहाँ से आपकी हाइडिंग ऐप सेटिंग्स आ जाएगी जिस पे जाकर ऐप्स को अनहाइड कर सकते हैं। सिंपली हाइड एन ऐप्स पे जाना है, जिस भी ऐप्स को अनहाइड करना चाहते हैं उस ऐप्स को सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपके स्क्रीन पे शो कर जाएगा। देखते हैं एक्सपोर्ट कर देना, जिस तरीके से आप और भी ऐप्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हटा सकते हैं। जब आप ऐप्स को अनहाइड करते हैं तो स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, जैसे देख सकते हैं कि अनहाइड कर दिया और यहाँ पर जो भी ऐप्स हैं आपके शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऐप्स को अनहाइड कर सकते हैं अपने आईटेल S24 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो